हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैब मेघना। तो आज है रिव्यू एंड ट्यूटोरियल। इनफैक्ट पूरा मेकअप लुक ही मैंने क्रिएट कर लिया है आप लोगों के लिए। एंड यस, टुडे आई विल बी रिव्यूइंग द हुडा ब्यूटी आईशैडो पैलेट, एंड दैट इज दिस वन। एंड दिस इज द मर्करी रेट्रोग्रेड हुडा ब्यूटी आईशैडो पैलेट। उसी से मैंने आज ये आई लुक क्रिएट किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग फर्स्ट। इट्स एब्सोल्युटली अ गॉर्जियस, अ ब्यूटीफुल, वेरी सी हुडास। आई थिंक दिस इज हुडास आई एंड इट्स परफेक्टली डन एंड इट्स वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल। ये फिर टोटल आपको 18 शेड्स मिलने वाली है। आउट ऑफ दैट आई थिंक 9 आर मैट शेड्स। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यस, 9 आर मैट शेड्स एंड 9 आर मेटालिक शेड्स। द मेटालिक शेड्स में कुछ फ़र्क है, लाइक आई कैन सी 2 शेड्स लाइक सुपर मून एंड गोल्ड ग्लिच। इसमें चंकी ग्लिटर्स है। हालांकि मेरा पैलेट जो आया था वो टूटा हुआ था फ्रॉम नायका, सो इन दोनों का हालत बहुत ख़राब है। बट स्टिल व्हाट आई कैन सी दैट दे हैव अ लॉट ऑफ चंकी ग्लिटर्स, बट रेस्ट ऑफ द ग्लिटर्स आर लाइक ड्यूअल क्रोम शाइनी बट नॉट एज चंकी एज दीज टू अदर शेड्स। मैट शेड्स सारे बहुत पिगमेंटेड है। इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड एंड यू डोंट हैव टू वर्क अलॉट हार्ड टू गेट द पिगमेंटेशन। सो आई रियली लव द मैट शेड्स। इवन द ग्लिटर्स एंड द मेटालिक शेड्स वर एब्सोल्युटली वाव। टुडे आई हैव अप्लाइड क्वाइट अ फ्यू शेड्स, लाइक आई हैव अप्लाइड हेज, आई हैव अप्लाइड हॉट मेस, देन आई हैव अप्लाइड लिब्रा, देन आई हैव अप्लाइड नेबुला एंड आई हैव अप्लाइड मर्करी। तो ये सारी शेड्स बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो रही थी। आई हैवन अप्लाई द रेस्ट ऑफ द शेड्स, आई डोंट वॉन्ट टू लाई। आज पहला दिन था जब मैंने इस आई शेडो पैलेट को टेस्ट किया एंड वो भी लाइव आप लोगों के सामने, एंड आई फाउंड द शेड्स टू बी वर्किंग सो मैजिकली, सो वंडरफुल। इट वॉज सो ईजी टू अप्लाई देम। 16.1 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट यू आर गेटिंग टोटल इन दिस पैलेट। एंड अगर आप इसे नायका से ले रही हो देन यू हैव टू पे 5,375 रुपीज़। नायका में लिखा हुआ है 2022 में ये एक्सपायर होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग डेट आई थिंक इट्स रिटन ऑन द बैक साइड। यस, 2019 में मैन्युफैक्चर हुआ है एंड 2022 में ये एक्सपायर होने वाला है। आई गॉट दिस ऑन अ डिस्काउंट एंड आई हाईली सजेस्ट यू द नेक्स्ट डिस्काउंट जब आ रहा है तभी लो, बिकॉज नथिंग इज़ वर्थ लाइक ओवर 5,375 जस्ट फॉर एन आई शेडो पैलेट। आई नो इट्स अ हाई एंड ब्रांड, अब हाई एंड ब्रांड के प्राइस ऐसे ही होते हैं, बट स्टिल इफ़ यू कैन गेट अ डिस्काउंट आई थिंक इट्स अ बेटर डील फॉर यू। एंड इसे आप यू कैन ऑल्सो बाई दिस फ्रॉम सफोरा, क्योंकि सफोरा में भी ये हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट मिलती है, बट सफोरा की लिंक्स मैं नहीं दे पाऊँगी। इफ़ यू हैव अ सफोरा वेबसाइट लाइक MN Now, यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम देयर और यू कैन go and visit the Sephora store. Like I'm from Kolkata, abhi to band hai kyunki lockdown hai, and so if the everything becomes normal then definitely you can visit the store and you can buy it. But yes, buying it online from Nykaa is pretty much easier to buy this. Anyway, the shades are pretty much nice, so let's just swatch the shades and let me swatch the shades in front of you guys taki aap logo ko bhi pata chale. Like later on jab swatch karungi na to एडिटिंग में बहुत कुछ किया जा सकता है। लाइक यू माइट थिंक दैट फर्स्ट वॉच हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। सो द फर्स्ट रो से मैं जा रही हूँ। द फर्स्ट रो में जो शेड है वो है कॉस्मिक। ये जो फर्स्ट रो है, ओके दिस इज द फर्स्ट रो, तो मैं इनका ले रही हूँ एंड इन्हें मैं पहले स्वॉच कर रही हूँ। ओके, सो लेट मी टेक कॉस्मिक विच इज़ अ ब्यूटिफुल पिंकिश पर्पलिश शेड है। ओके, सो दिस इज कॉस्मिक। इसके बाद थोड़ा सा ऑरेंजिश काइंड ऑफ अ शेड है, पीची कलर, एंड दैट इज उथोपिया। कॉस्मिक के बाद मैं उसको लगा रही हूँ उथोपिया, एंड एक बार ही मैं स्वॉच कर रही हूँ। आई एम नॉट बिल्डिंग अप द कलर, दैट्स कॉस्मिक एंड दैट्स उथोपिया। नेक्स्ट जो शेड है वो है अल्ट्रा वायलेट, एंड दैट्स अ पर्पलिश काइंड ऑफ अ शेड, अल्ट्रा वायलेट। That's ultraviolet. This has some pink, silver, glitter flakes. इसके बाद मैं ले रही हूँ नेबुला, जो कि मेरे eyelids में है, and this but absolutely a beautiful shade.
इसके बाद मैं ले रही हूँ मर्करी. अगेन आई हैव यूज दिस वन ऑल्सो टूडे. दिस इज मर्क्यूरी. दिस इज ऑल्सो ग्लिटर शेड. के बाद मैं ले रही हूँ हेज. इसे भी मैंने आज यूज़ किया है. वेरी ब्यूटिफुल मैट टील ग्रीन कलर. यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट रो. एब्सोल्युटली गॉर्जियस. ऑल द शेड्स आर गॉर्जियस. नेक्स्ट रो पे मैं आ रही हूँ एंड इस रो पे जो कलर्स है वो कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको. दिस इज द सेकेंड रो. दिस इज द सेकेंड रो. पहला जो शेड है वो है ऑफ बैलेंस एंड वो एक मैट शेड है एंड दिस इज काइंड ऑफ आई कॉल दिस मॉवी पिंक और अ डस्टी पिंक. दैट्स वॉट आई कॉल्ड. इट्स अ मैट ब्यूटिफुल मैट शेड. नेक्स्ट अगेन एक मेटालिक शेड है एंड दिस कैन बी यूज एज अ हाईलाइटर ऑल्सो. आई फील गैलेक्सी. अ ब्यूटिफुल शेड. ब्यूटिफुल गोल्डन शेड एंड अ रोज गोल्ड काइंड ऑफ अ शेड. गोल्डन बट रोज गोल्ड काइंड ऑफ अ शेड. दिस इज गैलेक्सी. ओके नेक्स्ट आई हैव द शेड लिब्रा जो मैंने आज अप्लाई किया है. ये मॉव लाइलैक कलर है. मॉव नहीं लाइलैक शेड है. दिस इज लिब्रा. ओके दिस इज लिब्रा. इसके बाद है क्रैश. अगेन अनदर मैट शेड. आई हैवन यूज दिस बट एक्सट्रीमली पिगमेंटेड. ये कुछ ब्राउन अंडरटोन न्यूट काइंड ऑफ अ शेड है. इसके बाद है मोमेंटम. अनदर न्यूट शेड ऑफ वाइट की तरह मोमेंटम. एंड देन वी हैव सुपर मून विच इज़ अ ग्लिटर. इट हैज़ सम चंकी ग्लिटर फ्लेक्स एंड ये पूरा वाइट कलर में है. दिस इज द वन. द थर्ड रो इज नाउ. अब थर्ड रो को मैं स्वॉच कर लेती हूँ. थर्ड रो पे जो भी आपको शेड्स मिलने वाले हैं वो है ये सारी शेड्स. दीज आर द शेड्स ऑन द थर्ड रो एंड आई एम गोइंग टू स्वॉच देम नाउ. पहला शेड इज डीप चॉकलेटी ब्राउन कलर ऑफ शेड एंड ओह माय गॉड सो पिगमेंटेड अगेन. एंड ये है वो ट्रेक्स. ओके दिस इज वो ट्रेक्स. एंड सब मैं एक बार ही स्वॉच कर रही हूँ. मैं नहीं बिल्डअप कर रही हूँ. देन कम दिस ब्यूटिफुल शेड विच आई हैव अप्लाइड टुडे. हॉट मेस. अ बर्गंडी कलर. इसके बाद और एक मेटालिक शेड. अ रोज गोल्ड काइंड ऑफ मेटालिक शेड. एंड दिस इज द शेड सुपर नोवा. आई थिंक दिस शेड यू कैन फाइंड इफ यू हैव द रोज गोल्ड पैलेट. यू फाइंड द शेड देयर आल्सो. आई फील सो. ये है सुपर नोवा. इसके बाद ले रही हूँ अनदर मैट शेड एंड दिस इज कारवा. ओके दिस इज कारवा. दिस इज कारवा. Then another glitter shade, this one, and last but not least another glitter shade and dazzled ya frazzled, pata nahi chal raha shade ka naam. Again a goldenish shade, so this one. To ye sari shades aapko last row mein milne wali hai. These are the shades. तो ओवरऑल अगर पिगमेंटेशंस की बात किया जाए तो सारे शेड्स पिगमेंटेड है. ब्यूटीफुल है. गॉर्जियस है. देखने में अच्छा है. इवन यू कैन मेक एन एवरीडे लुक ऑल्सो बिकॉज द मैट्स आर वेरी गुड. एंड क्रीज को डार्कन अप करने के लिए आपको यहाँ पे जो दो शेड्स आई से दैट वोट्रेक्स एंड हॉट मिस ये काफ़ी है आपके आउटर क्रीज को डार्कन अप करने के लिए. एंड इट्स वेरी नाइस टू प्ले विद द कलर्स बिकॉज दे वर blending like a dream. And I will highly suggest you to go for this palette if you're looking for this kind of color shades and if you want to shed this much of money. Kyunki even after 30% ya 40% like discount ke baad bhi this will be pricey. Okay, so anyway just watch the tutorial now and I think you will love the tutorial. ओके एक आँख पे मैंने ऑलरेडी कर लिया है एंड आई ट्राई टू फोकस एज मच एज कैन. तो मर्करी रेट्रोगेट की ये पहली ट्यूटोरियल है. सबसे पहले मैंने क्या किया है कलर बार की जो वो कह देती हूँ कंसीलर है मैंने वो उसे लेकर कंसील किया है. एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग माई फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर जस्ट टू सेट. नाउ आपको
बहुत से लोग कहेंगे कि बिना सेट करके आप करो तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड कवरेज, बट द गाइस द थिंग इज दैट इट विल स्टार्ट क्रीजिंग, नो योर कंसीलर विल स्टार्ट क्रीजिंग बिकॉज ऑफ इट्स ऑयल. एंड उसके बाद अब जब आई मेकअप करोगे ना, द आई मेकअप विल ऑल्सो स्टार्ट टू क्रीज. सो आई प्रेफर अप्लाइंग अ गुड अमाउंट ऑफ पाउडर. पहला शीट जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस पैलेट से वो है ये वाली शेड, एंड दिस इज द हेज, ये वाली शेड. एंड इसके लिए जो ब्रश मैं ले रही हूँ वो है कफ्स एंड लैशेस की CS04. इसे इस तरह से मैं लेकर थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करूंगी. एंड आई एम नॉट डस्टिंग ऑफ एनीथिंग एक्सेस. जो भी मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं उसको लगा रही हूँ. ओके, लेकिन आपको लगेगा दी आपने जो मेकअप क्रिएट किया है उसमें तो ये शेड नहीं दिखाई दे रहा है. यस इट्स नॉट शोइंग, ये नीचे है. बट अल्टीमेटली फिनिशिंग में ना इसके साथ जब पर्पल आएगी ना, दिस विल लुक सो नाइस एंड ब्यूटीफुल. अब मैं ये ले रही हूँ ये ब्रश, दिस इज कफ्स एंड लैशेस CS05. दिस इज़ द शेड लिब्रा एंड ये पर्पल शेड है. एंड मैं डे लाइट में शूट कर रही हूँ ताकि आपको एकदम नेचुरल कलर दिखने को मिले. एंड आई एन्जॉय शूटिंग इन द डे लाइट एक्चुअली. मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, वो है CS02 कफ्स एंड लैशेस की ये वाली ब्रश. एंड इसे लेकर मैं ब्लेंड करने वाली हूँ सारे कलर्स को एक साथ. सो दिस इज द वे इट विल लुक राइट नाउ. आफ्टर दैट बहुत आसान है. आई टेक द शेड मर्करी एंड मैं फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ, आप ब्रश यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ द शेड मर्करी. तो मैं पहले इसको लगाऊंगी एंड उसे टॉप अप करूंगी. इसके जो ग्लिटर्स है वो है नेबुला, दिस वन. आई जस्ट यूज दिस वन एंड आई यूज़ माई फिंगर्स. एंड मेरे लिए आसान है क्योंकि मेरे नेल्स आप देख सकते हो छोटे छोटे हैं नेल्स. एंड या अब मैं दूसरे फिंगर से नहीं इसी फिंगर से ही लूंगी नेबुला को जो है ग्लिटर पार्टिकल्स. अब यू कैन यूज अ ग्लिटर ग्लू, डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छा उसका फिनिशिंग होगी. राइट नाउ माई माइक इज ऑन एंड आई होप द साउंड इज लिटिल बिट क्लियर नाउ. ओके, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं फिर से शेड लिब्रा को हेज को ले रही हूँ. एंड यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा हेज दिखाई दे रही है, उसको कवर अप कर रही हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक. ओके, कुछ नहीं, बस हेज को डिपॉजिट कर रही हूँ. हो गया. अब मैं एक नया शेड ले रही हूँ एंड वो एक पर्पलिश शेड है एंड दैट इज हॉट मेस. वो है ये वाली शेड, दिस इज हॉट मेस. आई एम टेकिंग दिस शेड डाउन एंड वही ब्रश है CS04, उसी को लेकर हेज के ऊपर मैं डालने वाली हूँ. एंड जो भी लगा हुआ है मैं ऊपर की तरफ भी उसको दे रही हूँ. इट्स डन नाउ. नाउ इट्स द टाइम टू अप्लाई आर आईलाइनर. वैसे मैं आईलाइनर को हमेशा बड़ा जो मिरर है मैं उसके सामने लगाती हूँ बिकॉज आई हैव सो मेनी आई प्रॉब्लम्स. लाइक बायफोकल है, then there is minus power, then I have extremely weak muscles, lazy eye जिसको कहते हैं, और भी problems है आँखों की, तो मुझे थोड़ा सी difficulty होती है. इस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ एंड इसके बाद में मैं शायद आउट ऑफ फोकस हो जाऊँ क्योंकि मिरर के बहुत सामने ना आने से मैं नहीं देख पाती हूँ. I'm sorry guys, I just cannot help it. I'm trying to keep it there, but मिरर काफ़ी दूर है एंड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. बिना मिरर के सामने रखे मैं नहीं कर पाऊंगी.
एंड इस वजह से आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आईलाइनर मैं नहीं दिखाती हूँ बिकॉज आई रियली नीड टू कीप द मिरर इन फ्रंट ऑफ मी अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग. Only this shade is available to highlight actually. So I'll take that shade only, Cosmic. And इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ CS03. ये कफ्स एंड लैशेज की एक और ब्रश है CS03. I'll just apply the primer and ये है Aquaholic Priming Moisturizer from Sugar. ये जो primer है ना ये actually बहुत ज़्यादा आपके pores अगर मतलब बड़े हैं तो दिस विल नॉट ब्लर देम बट इट्स गुड एक्चुअली लाइक अ मॉइस्चराइजर. सो आई इट्स लाइक अ लव एंड हेट रिलेशनशिप विद दिस प्राइमर. इट्स नॉट लाइक बहुत अच्छा लगता है बहुत बुरा भी नहीं लगता है. वैसे मैं इतना अच्छा लगता है मुझे ये ब्रांड कि बुरा कहने से मुझे बहुत ख़राब लगता है. ऐसा लगता है कि मेरा घर का ब्रांड है. ओके आपको दो तीन मिनट वेट करना चाहिए ताकि आप इसको पूरे मुंह में सेटल होने के लिए वक्त दे दो. सो आई एम बी अप्लाइंग दिस फाउंडेशन. दिस इज द फिट मी फाउंडेशन एंड दिस इज इन द शेड 118 लाइट पीच. पूरे डॉट डॉट करके मैं अपने फेस में इसको लगाऊंगी. बचपन में ना मैं कोई ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह कुछ नहीं यूज़ करती थी. आई स्टिल रिमेंबर आई टू यूज़ माई हैंड टू ब्लेंड एवरीथिंग. चलो ज़्यादा तो नहीं हुआ सब लग गया. And Revlon I think, yes, Touch and Glow Revlon, वो वाली foundation, वो water based वाली foundation मैं लगाती थी. मेरी mother भी वो भी लगाती थी but my mother loved applying the Lakme foundation. अच्छा मुझे comment करके कहना कौन सा foundation की review आप देखना चाहते हो drug store में. यह है कलरबार की कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड 001 वेलवेट. ओके नाउ आई एम टेकिंग माय फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस इज इन द शेड Ivory. ये है रेवलेशन की ये वाली मैं पैलेट ले सारे कलर से ब्लश हाइलाइटर. ये हाइलाइटर ब्लश ही है हाइलाइटर ब्रश है फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड आई एम टेकिंग दिस वन. लोअर लैश लाइन में अभी तक मैंने मेकअप कंप्लीट नहीं किया है तो आई एम टेकिंग माय मर्करी रेट्रोग्रेड आई शैडो पैलेट अगेन. नाउ आई विल कंप्लीट माय लोअर लैश लाइन. तो मैं इसके लिए ले रही हूँ CS05 एंड I'll take the shade Hot Mess first. I hope you guys can see Hot Mess, that purpley shade. Now, this one, this is the shade Hot Mess, okay? Isko maine lagaya. Ab just to smoke this out, I'll use the shade Libra. Yeah. This lavender color Libra, ये वाली shade. This is the Libra. Same brush को लेकर ही and I'll just smoke this out. और ये Nykaa की काजल है. स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक है गुलाबी
What a nice pretty shade. So little bit of jewelry and falsies लगा के मैं वापस आती हूँ. So this is a very beautiful palette. I will, as you have seen the swatches, मैंने अगर आप ये खरीदना चाहते हो definitely आप खरीद सकते हो. The links will be there in my description box. मैं my haul store करके मैं वहाँ पर links डालूँगी, तो आप वहाँ से जाके Nykaa साइट से ही आप खरीद सकते हो. Let me tell you another thing. मैं आंटी जैसा sound कर सकती हूँ, but nothing is worth the money if you really don't need it. If you only need it, then buy this. Like I always say, keep that smile on your face, and yes, we are going to meet again in our next video. So till then, take care and bye.